नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सिंगरौली रेलवे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि सीधी सिंगरौली के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उनके द्वारा अभी एक पत्र रेल मंत्री को लिखा गया है। इस पत्र में बरिगमा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का जो ठहराव हो वो किया जाए, इस विषय पर पत्र को लिखा गया है। हालांकि पत्र से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सीधी सिंगरौली की जो पूर्व सांसद थी श्रीमती रीति पाठक जी, इनके द्वारा एक मांग की गई थी कि सिंगरौली से जबलपुर के बीच में हमको एक नई इंटरसिटी ट्रेन की सुविधा चाहिए। ऐसी इंटरसिटी जो कि शाम के समय सिंगरौली से चले और सुबह के समय जबलपुर से चले, क्योंकि एक इंटरसिटी ट्रेन ऑलरेडी चल रही है जो कि सिंगरौली से सुबह सुबह चलती है और दोपहर में जबलपुर पहुँच जाती है। तो रीति पाठक जी के द्वारा ये मांग की गई थी कि एक सिंगरौली इंटरसिटी ट्रेन सुबह सिंगरौली से चले और एक इंटरसिटी ट्रेन सुबह सुबह जबलपुर से चले, यानी अप डाउन मिला के ये दोनों इंटरसिटी ट्रेनें चलें। इस पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन ये उनकी जो मांग थी वो ठंडे बस्ते में चली गई और क्षेत्रवासियों को ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाई। आपको बताने चलेंगे कटनी हावड़ा सेक्शन में ब्योहारी बरिगमा सिंगरौली रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें ज़्यादा आबादी वाला जो क्षेत्र है वो ब्योहारी भी है। वहाँ का एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है ब्योहारी का, वहाँ से कई गांव जुड़े हुए हैं। वहाँ पे जो ट्रेनों की जो सुविधा है वो बहुत कम है, तो वहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जो ट्रेन गुजर रही है तो उनके स्टॉपेज को कम से कम ब्योहारी में दिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रवासियों के द्वारा मांग की जा रही थी। तो फिलहाल बरिगमा में 4 ट्रेनों के ठहराव को लेकर पत्र भेजा गया। इनके अलावा गाड़ी संख्या 13025, 13026 भोपाल हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को हफ्तों में 3 दिन चलाए जाने की मांग की गई। जो पत्र भेजा गया उसमें बताया गया गाड़ी संख्या 194-1314 अहमदाबाद कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही है, इस ट्रेन का स्टॉपेज बरिगमा में दिया जाए। गाड़ी संख्या 196807 मदार अजमेर कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन का भी स्टॉपेज बरिगमा में दिया जाए। अजमेर संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्टॉपेज है अप डाउन मिला के वो भी बरिगमा में दिया जाए। इनके अलावा भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो कि साप्ताहिक है, इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जाए। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से पत्र। हालांकि सिंगरौली से एक बिलासपुर की ट्रेन चलनी चाहिए जो कि वाया कटनी शहडोल के रास्ते बिलासपुर जाए, क्योंकि सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। डायरेक्ट ट्रेन के ना होने से सुविधा तो होती ही है। कई बार इस मांग को किया गया कि सिंगरौली से बिलासपुर के बीच में एक ट्रेन की सुविधा दी जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। शहडोल के जो माननीय सांसद हैं हिमांद्री सिंह जी, उनको भी रीवा जयसिंह नगर शहडोल नई रेलवे लाइन के बारे में प्रयास करना चाहिए कि रीवा जयसिंह नगर शहडोल के बीच में नई रेलवे लाइन को बनाया जाए। रीवा जयसिंह नगर शहडोल नई रेलवे लाइन का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए ताकि क्षेत्रवासियों को ये इतना बड़ा उपहार वो दिलवा सके, क्योंकि सीधी सिंगरौली की जो माननीय सांसद थी पहले की रीति पाठक जी, उन्हीं के प्रयासों से रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को बजट मिला, लगातार बजट मिल रहा है और काम भी हो रहा है। और अब सीधी सिंगरौली के जो माननीय नए सांसद हैं आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी, वो भी भरपूर तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि इस रेल लाइन परियोजना को जल्द से जल्द बनाया जाए, वो भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही सभी सांसदों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रीवा जयसिंह नगर शहडोल जो रेलवे लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। अगर इस रेलवे लाइन को बनाया जाएगा और ब्योहारी से कनेक्ट किया जाएगा तो ऐसे में सिंगरौली से रीवा, सिंगरौली से बिलासपुर, सिंगरौली से शहडोल होते हुए बिलासपुर जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा उत्तम मार्ग हो जाएगा। इस विषय पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।